ये गाइस हर व्लॉग में एक ही कमेंट टेप दी है, पता नहीं क्या क्या लिखती है, पके पके लिखती है, पता लिखती है, थैंक यू लव यू जाने कीप गोइंग ऑन गाइस। कितनी धूप में मेहनत करते हुए ये बच्चे देखो गाइस, एक दो कर रही है। फाइनली हम रोहित दी के व्लॉग में आई है। ओ देखो कितनी खुशी हो रही है इनको, ये होते हैं अच्छे बच्चे। करी हुई क्या बनी हुई गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो आज फाइनली मैं कॉलेज में व्लॉग बनाने वाली हूँ। ऐसे मैं ज़्यादा फंक्शंस में बनाती हूँ, बट मुझे काफ़ी कमेंट्स वगैरह आ रहे थे और काफ़ी बच्चे मेरे को कॉलेज के बोल रहे हैं कि व्लॉग बनाओ आज, तो मैंने सोचा कि बना लेती हूँ। तो मैं ऐसे सिंपल सा व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि जब फंक्शंस वगैरह हो तो पता होता है कि मतलब आज व्लॉग क्या होने वाला है, तो ऐसे मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या बनाऊँ। कॉलेज में क्लासेस वगैरह भी होती हैं, तो अभी मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, इंटरनल हो रहे हैं, आज भी मेरा एग्ज़ाम है, पर मैं फिर भी चल पड़ी हूँ व्लॉग बनाने। तो ऐसे नॉर्मल व्लॉग बनाऊंगी आज की, जैसे हमारा कॉलेज का दिन कैसा निकलता है या कैसे हम लोग मस्ती वगैरह करते हैं, तो वही मैं दिखाऊंगी आज। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। तो हमारी मतलब 3K फैमिली हो गई, आई होप कि जल्दी जल्दी और बढ़ें और 5K करवाओ जल्दी से। तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। जो नहीं कर रहे हैं उनको भी थैंक यू। गलत कमेंट की बात रही तो वो मैं रिमूव भी कर सकती हूँ, बट मैं नहीं करती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अच्छे कमेंट्स के साथ ये बुरा कमेंट होना चाहिए, नज़र नहीं लगती है गाइस, अच्छी बात है ना। बात तो सही है। तो चलो फिर हम मिलते हैं आपको कॉलेज चल के। सो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कॉलेज में, और ये सुबह ऐसे तो पूरे दिन पढ़ती नहीं है, जब कॉलेज आना होता है दिखाने के लिए पढ़ती है सिर्फ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, बाद में मिलाती हूँ आपको सबसे। सो गाइज ये जो लड़की है ये मुझे बहुत तंग करती है कि व्लॉग बना, और देखना इतनी लस्सी करेगी आज व्लॉग में, आपको थोड़ी देर में दिख जाएगी। अभी अपना असली तो व्लॉग बनाना नहीं है गाइज, क्या कैसी बातें करते हो आप लोग। गाइज आपको पता है मैं दिन भर व्लॉग नहीं बना रही थी, मेरी फैन फॉलोइंग इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई। कॉलेज का कोई बच्चा ही नहीं बुलाता मेरे को, पहले कब बुलाता था, मतलब इसकी शक्ल तो अच्छी नहीं, किसान आ रहा है कि मैं भी ऐसी हो गई हूँ। नहीं पहले कभी बुलाया इसको किसी ने, मैंने देखा नहीं। ऑफ कोर्स बुलाया, तुम्हें क्या पता। कोई एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये बहुत लस्सी है, ये बहुत लस्सी करती है। सो गाइज ये शरीफ सी लड़की, ये ज्यादा बात नहीं करती है, हाय करो हाय। और ये कम करते हो ना आप, इसकी तरह नहीं है ना, ये बहुत बातें करती है। शट अप, तू भी बहुत बातें करती है। ये देखो बड़ी हूँ मैं, से मेरे से तू करके बात कर रही है। दिशु कैसी फ्रेंड्स बनाई है तुमने? मेरी तो फ्रेंड ही नहीं है यार। गाइस अब हम पेपर देने जा रहे हैं, पेपर देखेंगे तो आपसे बात करेंगे, बाय बाय। हाँ मैं भी पेपर देने जा रही हूँ गाइस, मुझे कुछ आता भी नहीं है। वो देखिए पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो देखिए मेरी दोस्त इन्हें कर रहा ये गाइस हर व्लॉग में एक ही कमेंट टेपती है, पता नहीं क्या क्या लिखती है। थैंक यू लव यू जाने कीप गोइंग ऑन गाइस। हर व्लॉग में एक ही कमेंट करने वाली सुंदरी राधा कौन से कमेंट करती है आप बताइए जरा। अमेजिंग व्लॉग, कीप गोइंग, लव यू जाने। इतना लव करती नहीं है मुझे, बस दिखाती है। तो ये पढ़ रही है, मैंने पढ़ा भी नहीं है कुछ आज। हाँ तो गाइज पहले हम लोग अभी जगह देखने लगे कि हमें बिठाएंगे या बाहर बैठ के देना पड़ेगा एग्जाम। हाय कामू, कैसे हो? बस ठीक। ये पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं गाइज, ये देखो पढ़ रही हैं, बस मैं ही बेशरम हूँ। आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है? मेरी यूनिफॉर्म घर वालों ने थैंक यू। अच्छा, कल से हम भी सिविल में आएंगे। ठीक है, ये नहीं पता कि अपना फैशन पूरा करने के लिए। अगर सिविल में लड़की इतनी खूबसूरत लगती है तो हम भी सिविल में आएंगे। ओके राधु पक्का। ये देखा स्टाइल देख रहे हो लड़की में, ऐसे कितना चिल्लाती है, ये करके बात करती है ना। कौन? सब लड़कियाँ। एक मैं ही नहीं करती, मैं एक शरीफ। बस राधु ज्यादा हो गया। गाइस हम आपको बाद में मिलते हैं एग्जाम देके। ओके सबसे लास्ट में आई, मैं सबसे लास्ट।
वेल आप देख सकते हैं यहाँ पे एनसीसी बच्चे क्या कर रहे हैं। गाइस इधर देख सकते हैं यहाँ पे एनसीसी के जो बच्चे हैं वो कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी, देख सकते हैं कैसे देखो हिक कर रहे हैं। चुप कर, फोन छीन लिया मुझसे। कितनी धूप में मेहनत करते हुए ये बच्चे रोना गया। देखो गाइस एक दो कर रहे हैं, आगे तीन आता ही नहीं है। एक दो आता है नहीं, 12 पहुंच गए अभी तो एनसीसी के बच्चे जो हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी इतनी धूप में। और इस साइड जो हैं वो क्रिकेट के वाले बच्चे हैं, देख सकते हो आप, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है। गाइस सब बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एक यही वैली है जो सिर्फ फालतू की एक्टिंग मार रही है और कुछ भी नहीं कर रही है ना दादू। सही पकड़े हैं। एक्सक्यूज मी, ये जो आप इधर छोड़ के आए हैं ये अप्रैल वाले जो कुत्ता नहीं होता है इतने बार होते हैं जो इतने करी को बंदा है अभी हुआ नहीं है पूरी नहीं है वो सुंदर है, मेरी दादू सुंदर है। गाइस ये हमारे बालों की बात कर रही है, खुद के झाड़ू नहीं देखे इसने, अपने बालों से झाड़ू लगाएगी ना कचरा साफ हो जाएगा सारा। लंबे हैं मेरे पास, लंबे होने से कुछ नहीं होता, झाड़ू है तुम्हारे कोई फायदा नहीं है। गाइस वो देखो, मैं और सानिया जो है हम ऊपर पहुंच चुके हैं और वो लोग अभी भी नीचे घूम रही है। गाइस इतनी लस्सी कर रही है, कहीं बैठ भी नहीं रही है, घूमे जा रही है। ये बोलने बैठो को यार की करिया है, फालतू में दिमाग खराब कर रही है। गाइस अभी राधु जो है अभी लिपस्टिक लगा के आई है। सो गाइज फाइनली जो है हम लोग बैठ चुके हैं, मतलब हमें जगह मिल गई क्योंकि इतने बच्चे आते हैं आजकल की जगह नहीं मिलती बैठने की। और ये तो फोन के साथ ही लगे सुबह से आप देख रहे हैं। गाइज मैं जो है अपनी बूथी बार बार इसलिए दिखा रही हूँ अपनी, इसकी और राधू की और दिशु की, क्योंकि जब और कोई मिल नहीं रहा ब्लॉग बनाने के लिए। हाँ, उनकी शक्ल मतलब ऐसे मेरे को सब बोलते रहते हैं कि ब्लॉग ना जब मैं ब्लॉग में आती हूँ ना तो एक्टिंग मारने के लिए सब मुंह के ऊपर हाथ रख लेते हैं, मुझे बहुत गुस्सा। मैं बात कर रही हूँ ना, बोले तू बोल बात कर रही हूँ बीच में बोले जा रही है, तमीजी नहीं है। सो गाइस में क्या हो गया सानिया, बहुत हो गया, इसका ही वेट कर रही थी सुबह से, कुछ लस्सी तो चाहिए। लस्सी नहीं हुई आपकी बेइज्जती हुई है, लस्सी तो आप ऐसे भी कर देती रहेगी ये गाइस। अब 2000 years later. So guys, अभी कर गया यार, ये लोग इतना भोंकती है मुझे व्लॉग नहीं बनाने देती है। उसकी गलती है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उसकी गलती है। क्या है, क्या हो तुम? फोन ही है। So guys, यार चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। गाइज यहाँ पे एक घमासान युद्ध होता हुआ दिशु में और सानिया में, और मैं चाहती हूँ कि इनकी इतनी लड़ाई हो कि एक खेत में एक दूसरे को बलोद दे, एक दूसरे का चुंडा फूटे। काम करती है मुझे बहुत गुस्सा आता है, फिर कोई उसने ऐसा काम नहीं किया। सो गाइज तू जा, मूड पर सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं दुकान पे, इनकी चिड़चिड़ होती रहेगी, हम दुकान पे जा रहे हैं कुछ खा के फिर हम घर चले जाएंगे। हमने आज सोचा था कि सानिया हमें स्कूटी चलाना सिखाएगी, क्या हो गया चुप करो, पर हमारा प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि घर वाले लेने आ रहे हैं, हमें जाना है पड़ेगा कहीं पे, शट अप। तो गाइज मैं आधा व्लॉग आज बना रही हूँ, आधा कल बनाऊंगी, अब अच्छी मुझे कम मिल जाए तो शायद कल मिल जाए। फाइनली हम रोहित के ब्लॉग में आई। देखो कितनी खुशी हो रही है इनको। हाँ। ये होते हैं अच्छे बच्चे, सच बोल रहे हैं हम। नहीं, हाँ। सच है। हम कब से इंतजार कर रहे थे कि आप ब्लॉग बनाओ। हाय हाय, इतना सुकून। मैं ढूंढ रही थी तुम लोगों को कि कोई मिला नहीं, मैंने आपको देखा था एक दिन। हाँ, आप वहाँ से जा रही थी, मुझे लगा कि आप पागल लड़की जा रही है। कोई सेंस थी इस बात की? कुछ भी। अभी हम लोग बैठ गए अपने अड्डे पे, मतलब आज हमें अंदर जगह नहीं मिली इसलिए हम लोग बाहर बैठे हैं। और अभी मैं कुछ खाने वाली हूँ, कहीं मैं तेतरी मेतरी आ रही हूँ। हाँ, कुछ कर लेंगे, बीच में हम डोगरी बोलते हैं, बीच में हम हिंदी बोलते हैं, कहीं कि सबको पता चले हम डोगरे हैं। सबको पता ही है हम डोगरे हैं। नहीं होती है नहीं तो आप मेरी तरह बन जाओगे। मैंने मोमोज खा के भी देख लिए, मैं फिर भी इसकी तरह नहीं बनी हूँ, क्योंकि आप तरीके से नहीं खाए।
क्योंकि इसलिए क्या फायदा है ये सब कुछ खाने का, तो क्योंकि खाओ प्रॉपर तरीके से नहीं खाए हैं। प्रॉपर तरीके से कैसे खाते हैं? रोज खाने होते हैं फिर आप बन जाओगे और फिर आप जल्दी मर जाओगे। नाइस गाइस, सानिया का मूड ऑफ हो गया है जस्ट बिकॉज कि हम लोग आज जल्दी जा रहे हैं। इतना प्यार करती है ना मुझसे, ये इतना प्यार करती है, ये सिर्फ ब्लॉग के लिए ये बोल रही थी हम स्कूटी चलाएंगे, हम इतना मजा करेंगे, हम ये करेंगे, टांगे तोड़वाएंगे और घर जाएंगे, पर प्लान जो है कैंसिल हो गया है। कोई बात नहीं, हम दोबारा बना लेंगे। देखिए गाइस, ये देखिए कितना लड़ रही है ये लोग। ये सिर्फ इसलिए लड़ रही है कि आज हम जल्दी जा रहे हैं, आप लोग जल्दी जा रहे हो, हमने व्लॉग बनाना था ये वो। इसको हमसे कोई प्यार नहीं है, इसको सिर्फ व्लॉग से प्यार है। फेम, अटेंशन सीकर, फोन से। तुम अटेंशन सीकर हो, मैं चलो थोड़ा और लड़ो, चुप क्यों हो गए, हंसने क्यों लगे? दिशु इस टाइम पे हंसना नहीं होता है, लड़ो। उसने तुझे टेंशन सीकर बोला, सीरियसली जगह तुझे लड़ो। वो क्या बोलना चाहती है कि तू जानबूझ के कैमरे के आगे आती है, तू कैमरे के आगे आने की बात कैमरे बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो। कौन आता, कौन भोंकता दादा, कौन ओश मारता दादा, दिख रहा है ना वो, दिख रहा है वो सामने। जब जाते हैं तो सब कुछ कहते हैं आगे के, मेरी शक्ल अच्छी नहीं आ रही, मेरी शक्ल अच्छी नहीं आ रही, अच्छी कहाँ से आएगी जब अच्छी है। पर मेरे को तब व्लॉग बनाना चाहिए था जब ये लोग रोड पे लड़ती लड़ती आ रही थी, ये वो गल भी नहीं, गुस्सा आ जाता, प्यार वाला गुस्सा है वो। गाइज इसने मना किया था कुछ नहीं खाएगी। गाइज मैंने एक बार बोल के दिया कि मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं बोलवाया मेरे कुछ नहीं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। A few moments later, गाइज देखिए उन दोनों को देखा तो उन्होंने हाथापाई नहीं की, हाथ उठाया। पहले किसने की, पहले किसने की, मैं एक मिनट उन्होंने एक दूसरे को हाथ दिया, तो जिस तू उनसे सीख नहीं सकती, हम लोग भी बेस्ट फ्रेंड हैं। करी हुई क्या बनी हुई, लेकिन एक सेकंड मजा आ गया, राधु एंजॉय कर, पॉपकॉर्न ला दूं, मजा आया। एक दिन कितनी लड़ाई हुई इन लोगों ने, मैं चुंडे पुट दिए कि दस सही था, चीटर कॉक आएंगी। हमने अपनी जो लस्सी की ये पूरे व्लॉग में सबसे ज्यादा लस्सी आज सानिया ने करी है ना दिशु, बहुत ज्यादा। किसने लस्सी करी आज? इस लड़की ने, इसने इतनी लस्सी की है व्लॉग। गाइस मैंने क्यों की लस्सी आपको पता, क्योंकि इसको कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने लस्सी हमने व्लॉग में किसी बच्चे को नहीं लिया क्योंकि मुझे कोई मिला ही नहीं। जिन्होंने मुझे बोला था कि व्लॉग बनाना उनमें से कोई मुझे नहीं मिला, शायद उनको पता ही नहीं कि मैं आज व्लॉग बना रही हूँ, बट कोई बात नहीं, कुछ बच्चे मिल गए हैं। तो सो गाइस मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूं, आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।